Hello everyone, welcome back. Welcome to the Mathseya Academy. So guys, आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का बेसिक मैथमेटिक्स यानी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक। आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे डेस नंबर सिस्टम के बारे में, डेसिमल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर, ये सब सब आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। हम एक बेसिक देखते रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक। उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में जानना होगा। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर वेयर पी और क्यू एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोले, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं जहां पी और क्यू इंटीजर है, और क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इस वाले ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक। तो पी बाई क्यू एक इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जाम्पल कैसे बोल सकते हैं, जैसे पाई बाई टू, माइनस थ्री बाई फाइव, टू बाई सिक्स, ये सब क्या है, सारा इक्वेशन नंबर है, ये फाइव तो क्या है, इंटीजर है, ठीक। अब तो बोल रहे थ्री बाई जीरो, यह एक रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जीरो, जीरो डिनोमिनेटर में आ गया ना, नॉट रेशनल नंबर, इवन जीरो इज रेशनल नंबर, जीरो का मतलब क्या लिख सकते हैं, जीरो बाई वन, इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक। इसका मतलब अब तक हम लोगों ने जितना भी नंबर पढ़े हैं, कौन कौन सा नंबर पढ़े हम लोगों ने, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब क्या है, सारा रेशनल नंबर ही तो है, क्योंकि इन नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो रेशनल नेचुरल नंबर को मैं कैसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, वन टू थ्री फोर, एक काउंटिंग नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। वन को क्या लिख सकते हैं, वन को वन बाय में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में, टू को क्या लिख सकते हैं, टू बाय में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक। होल नंबर क्या होगा, जीरो वन टू थ्री, ठीक, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। जिस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो क्या लिखेंगे, जीरो बाई वन, ठीक है, लिख सकते हैं। वन को क्या लिखेंगे, वन बाई वन, ठीक। इंटीजर, इंटीजर क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे नंबर इसका इंटीजर, ठीक है, निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, जैसे माइनस वन, जीरो, वन, टू, ठीक, निगेटिव है और पॉजिटिव है, ठीक। तो इसको भी हम रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को ऑलरेडी रेशनल नंबर फॉर्म में, ठीक है, ए बाई बी के फॉर्म में। फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में, वेयर वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर होना चाहिए, कौन सा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक, तब उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। याद रहे फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे फाइव बाई टू ये एक फ्रैक्शन है, थ्री बाई टू ये एक फ्रैक्शन है, टू बाई थ्री ये एक फ्रैक्शन है, ठीक, सारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ए बाई बी, ठीक। ये हुआ हम लोग रेशनल नंबर, ठीक। अब देखेंगे कि रेशनल नंबर को हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है, चलो देखते हैं रेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं। देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर या रेशनल नंबर है, ठीक। तो देखो अगर पहला बात, ठीक, जैसे कि जनरल लोग फाइव बाई टू, ये क्या अगर इसका डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, टू पॉइंट फाइव, थ्री बाई जैसे ले लो फाइव बाई फोर, वन पॉइंट टू फाइव, ठीक। तो क्या देख रहे हैं कि अगर डिवाइड करते हैं फाइव बाई टू को तो एक दो कट जाता है, पूरी तरह पूरी तरह डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। इसका मतलब कि वैसा डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल क्या हो, टर्मिनेटिंग, ठीक है,
टर्मिनेट आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्सटेंशन, क्या बोल सकते हैं? टर्मिनेट आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्सटेंशन, ठीक। मतलब एक दो अंक के बाद जाने के बाद क्या होगा? टर्मिनेट कर दो, ठीक। तो ऐसा जो नंबर है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक। अब देखो दूसरा, जैसे कुछ हम नंबर लेते हैं 10/3, जैसे एग्जांपल है 10/3, ये क्या होगा? 3.333, ठीक, ऐसे चलते जा रहे, ठीक। ये भी एक रेशनल नंबर होता है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोल देंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो भी क्या होगा? सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक, वो भी क्या है? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये इस तरह हमने दो मेथड है पास सामने का, ठीक। तो इस तरह अगर दोनों में से कोई एक रहा तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल तो देख लो, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी एक रेशनल नंबर की तरह होता है, बट इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आया नाइदर टर्मिनेटिंग होता है नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन, ठीक। जो टर्मिनेट भी नहीं होता, जैसे 5/2 करते हैं तो क्या होता है? 2.5 आ जाता है, टर्मिनेट करके रुक गया, 0 आ गया, ठीक। इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हर बार अलग 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 करते हुए बहुत नहीं टर्मिनेट करेगा, नहीं क्या होगा? रिपीट करेगा, ठीक। वो अलग 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 आते रहेगा, तो सब सारे नंबर क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग आते हैं अपने रियल चैप्टर पे, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर अब क्या होते हैं, ठीक। रियल नंबर, रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है, रियल नंबर ऐसा नंबर बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल को हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर जो है और रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। यह दोनों नंबर क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा, वास्तविक संख्या बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। रियल नंबर इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली जो पढ़ना है कुछ थ्योरम्स पढ़ना, ठीक। हम लोग आज के लेक्चर में बेसिक थ्योरी देख लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे एक रियल नंबर के बारे में जानने के, रियल नंबर क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो लाइट का नंबर, ठीक। अब देखो, अब इसमें जो हमने को जो टॉपिक पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या पढ़ना है? यूक्लिड, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, ठीक, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग यूक्लिड है, ये तो साइंटिस्ट है, डिवीजन डिवाइड करने एल्गोरिथम, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो एल्गोरिथम होता है वेल डिफाइंड स्टेप, ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप। एल्गोरिथम क्या होता है? वेल डिफाइंड स्टेप, हम लोग कोई चीज बनाते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं? उसका स्टेप डिसाइड करते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है,
जो रियल जो फाइन स्टेप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, या भी कैसे वो लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथम एक फॉर्मूला या प्रोसीजर problems in the sequence, in a different sequence, में हम लोग जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी को एल्गोरिथम, उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ये स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, डिवीजन का एल्गोरिथम। ठीक है, सेकंड है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन जैसे हम लोग ले लो 2 में 15 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो क्या करते हैं, भाग देते हैं 2 से 14। ठीक, इतना से गुणा करते हैं ताकि इससे कम है या बराबर आ जाए, तो यहाँ पर डिवीजन कितना है, 1 आ गया। ठीक है, ठीक, ये डिवीजन प्रोसेस हो गया। अब देखो, अब 2 टर्म ले लो डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, या ले लो डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिवाइड द एल्गोरिथम फॉर डिवीजन, क्या बोलेंगे, द एल्गोरिथम या द स्टेप फॉर, स्टेप फॉर डिवीजन, या उसी को क्या बोलते हैं, जो स्टेप डिवीजन में लोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। और इसके बाद ये रहा था यूक्लिड के द्वारा। ठीक, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल से क्या हुआ था, यूक्लिड कैसे हम लोग इस एल्गोरिथम को समझाया था। ठीक है, यूक्लिड के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड ने एक डिवीजन के लिए भाग देने के लिए एक एल्गोरिथम बनाया। ठीक है, मतलब कि इस स्टेप को फॉलो करो, इस स्टेप को फॉलो करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, देखो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हम लोग को याद करना है लेमा के बारे में, लेमा क्या होता है। ठीक, लेमा जो होता है वह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ठीक, जैसे कोई प्रूफ कर दिया कि जैसे सन इससे उगता है, वेस्ट मिराज करता है, वह क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको उसको क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। ठीक, यानी लेमा होते ही लेमा, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, क्या बोल सकते हैं, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, वो ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था। ठीक है, ठीक, और इसका प्रूवन स्टेटमेंट क्या यूज करते हैं, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूफ, विच इज यूज टू प्रूफ अदर स्टेटमेंट। ठीक, अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लेमा। ठीक, अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अब देखो जैसे कि हम लोग कोई सुनो, यहाँ पे जो डिवाइड हम लोग करते हैं डिवीजन का, हम लोग पहले तो किस पर डिवीजन का, ठीक, डिवीजन का हम लोग पहले यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक, डिविडेंड हिंदी में भाग, इसको बोलते हैं डिवाइड, इसको बोलते क्वेश्चन, भागफल, और नीचे वाला आता है रिमाइंडर, क्या होता है रिमाइंडर, शेष। ठीक है, नीचे वाला को बोलते हैं रिमाइंडर होता है। ठीक, अब इसके इसके बारे में हम 2 बात देखेंगे। ठीक, इस जो एल्गोरिथम को फॉलो करता है इसके बारे में कुछ नोट्स देख लो। ठीक, क्या क्या है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात। जैसे पहली बात, पहला जो डिविडेंड होता है वो होता है डिविजन इनटू कोसाइन
dividend जो होता है divisor into quotient plus remainder first बात divisor into quotient plus remainder ठीक ये first बात ठीक second क्या होता है remainder जो होता है मैं बोलता हूँ remainder जो होता है ये हमेशा इस divisor से छोटा होता है और यहाँ पे zero से बराबर होता है ठीक ये remainder के बारे में हमने तो लिखा है ठीक है देखो तो यूक्लिड डिवीजन जो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था जो ठीक वो क्या था ठीक है देखो सपोज कर लो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ठीक अगर कोई नंबर जैसे कि हमने ए को बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू से क्वोशेंट आता है आर से भी नंबर आता है ठीक है क्या बोला वो स्टेट क्या बोला कि अगर किसी नंबर को इंटीजर को बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू क्वेश्चन और आर ये नंबर आता है तो वो क्या बोला कि उस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेस एज ए इक्वल टू बी क्यू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बी क्यू प्लस आर क्या बोला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक और आर जो होगा आर हमेशा लेस देन बी होगा या इक्वल टू जीरो होगा ठीक आर क्या होगा हमेशा लेस देन बी होगा और इक्वल टू जीरो होगा ठीक है यही इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम था ठीक हम लोग डिवाइड करने में इसी एल्गोरिदम को क्या करेंगे फॉलो करेंगे ठीक है ठीक अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल देखो ठीक आर क्या बड़ा होता है छोटा होता है ठीक है एक एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल पहला फर्स्ट अगर मान लो फाइव को 20 से डिवाइड 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 5 जा 25 ठीक रिमाइंडर क्या होगा 0 आ गया ठीक रिमाइंडर 0 आ गया ठीक अगर 5 को छो दूसरा अगर 5 को 24 से डिवाइड करें तो 5 4 गया 20 रिमाइंडर क्या होगा 4 आ गया ठीक 5 से लगाएंगे तो 25 होगा तो इससे ज्यादा हो जाता ठीक हमेशा क्या रखना कम रखना देखो यहाँ रिमाइंडर जो है 4 क्या है लेकिन 5 है ठीक यानी डिवीजर से क्या होता है छोटा होता है तो जीरो से इक्वल हो सकता है ठीक है तो इसको बोलते हैं इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम ठीक अब ये जो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम था यह बेसिकली एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज किया गया था ठीक है इट इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ठीक है इक्वल डिवीजन फॉर एचसीएफ HCF के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं ठीक है HCF के लिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ठीक अब देखो कैसे इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं ठीक सेलेक्ट कैसे करते हैं तो एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं सपोज कर लो कोई एग्जांपल लेते हैं सपोज कर लो सपोज एक नंबर है 8 एंड 12 इसका हम लोग क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना ठीक तो चलो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मदद से देखते हैं 8 का कॉमन फैक्टर क्या फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा इस सबसे एक डिवाइड होता है 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा ठीक अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है क्या लिखेंगे हम लोग कॉमन 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 क्या है वन कॉमन है देखो वन वन है तो वन टू टू है तो टू फोर फोर है तो फोर और तो कोई कॉमन है अब इसमें हाईएस्ट कौन है इसी हाईएस्ट हाईएस्ट तो यह क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन एट और ट्वेल्व का एचसीएफ कितना हो जाएगा एट और ट्वेल्व का एचसीएफ कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक एक तो हम ये मेथड जानते थे ठीक है अब देखो यूक्लिड इसको कैसे हम इसको एल्गोरिदम से कैसे किया ठीक है एल्गोरिदम में हम लोग यूज करना है बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम ठीक क्या हम यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम ठीक है यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम एल्गोरिदम से इसको कैसे सॉल्व करना है ठीक है देखो जैसे 8 इन 12 का ठीक
तो विपरीत क्या बोला था, किसी ए को बी की प्लस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर आर जो है रिमाइंडर जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये निकले जितने बात बोला था, है ना। अब देखो इसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको छोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो बड़ा नंबर 12 है, 12 के अंदर क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 गुणे 8 और प्लस 4 बी की प्लस आर के फॉर्म में लिख दिए। देखो आर है क्या, इससे छोटा है ना। तो अब देखो यहां से ये आ गया। अब देखो कंसीडर डिविजर एंड रिमाइंडर, कंसीडर ये स्टेप फर्स्ट वो दोनों में से जो बड़ा है उसको दूसरे के फॉर्म में लिख देंगे, इस फॉर्म में बी की प्लस आर के फॉर्म में, ठीक है। अब कंसीडर डिविजर, एट डिविजर कितना है, 8 है, 8 एंड रिमाइंडर 4 एंड अगेन अप्लाई यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम, अगेन अप्लाई यूक्लिड यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम। किसमें किसमें अप्लाई करना है, 8 और 4 में, यानी इसमें बड़ा कौन है, 8 को, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं इस 4 के फॉर्म में, 4 × 2 + 0, ठीक, 4 × 2 + 0। अब देखो यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, व्हेन रिमाइंडर बिकम 0 देन स्टॉप, व्हेन रिमाइंडर बिकम 0 देन स्टॉप, क्या होगा ना, रुक जाना है। तो जो मेरा एक्सीएफ होगा द डिविजन एट द टाइम व्हेन डिविजन इज द एक्सीएफ ऑफ द नंबर, क्या दे देगा, वो डिविजन होगा, डिविजन डिविजर कौन होगा, 4, तो एचसीएफ क्या होगा, डिविजर इक्वल टू एचसीएफ, और होगा कितना 4, ठीक। ऊपर लिख देते हैं डिविजर कितना होगा, यहां पर इस स्टेप के बाद यहां से वन रिमाइंडर बिटवीन 0 देन स्टॉप, देन एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, देन एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट डिविजर क्या होगा, इक्वल टू एचसीएफ, और होगा कितना, ये प्रोसेस को फॉलो किया था यूक्लिड, ठीक है। अब चलो इस पर एक दो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कौन सा यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फॉलो करते हुए फाइंड द एचसीएफ, ठीक है, क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, क्वेश्चन फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, एचसीएफ फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। पहला h1 x25, दूसरा 463 872, तीसरा 48 192, चौथा 52 56 172, ठीक। ये चार क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे और सब, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद।